दोस्तों 26 तारीख को 3 दिन के बाद देश में झूठ की आंधी चलेगी, जो तो ये आंधी कल से ही शुरू हो गई है। सरकारी रेडियो और टीवी पर ऐसा लग रहा है कि सारे देश को इन्होंने कश्मीर का गुलबर्ग बना दिया है। इन 4 सालों में कहीं कोई भूखा नहीं है, कहीं कोई किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है, कहीं बहु बेटी के साथ बलात्कार नहीं हो रहा है, कहीं मजदूर नौकरी से छटनी से निकाले नहीं जा रहे हैं, कहीं नौजवान बेरोजगार नहीं है, कहीं विद्यार्थियों को पढ़ने का कोई संकट नहीं है। देश के अंदर चारों तरफ अमन और चैन की गंगा बह रही है, मोदी जी का ये दावा है। लेकिन इससे बड़ा झूठा इस शताब्दी में आजाद हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ। और ये भी कहना चाहते हैं, बुरा मत मानिएगा मेरे मीडिया के मित्रों, आजाद हिंदुस्तान के 70 साल में सरकारी टेलीविजन, गैर सरकारी टेलीविजन, अखबार, रेडियो, इसका जितना दुरुपयोग हुआ उतना कभी नहीं हुआ। अगर कठुआ से एक बच्ची के साथ बलात्कार से देश रो रहा है, तो देश के अंदर ये पिछले 4 सालों में जो मीडिया की भूमिका है, इससे भी देश बहुत दुखी है।